वन वेलकम बैक टू द चैनल तो आज है थर्सडे और आज मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं कुछ काम करने वाली हूँ तो जितनी भी ये तोरण थी ना ये सब सूख गई है ये मैंने परसों वॉश कर दी थी तो ये uh, काफ़ी सारी तोरण है uh, और सही बताऊँ तो इस बार हम लोगों ने, ने कुछ भी ज़्यादा परचेज नहीं किया है uh, काफ़ी कम ही मतलब परचेज़ uh, किया था और ये वाली जो मेरी मैट है ये भी मैंने वॉश करी हुई है बट ये भी थोड़ी बहुत गीली है तो बस अभी आ, सुरेश अभी निकले हैं जस्ट ऑफिस के लिए और अभी मैं फ्री होकर थोड़ा सा बैठी हूँ क्योंकि सुबह से ही ना यार बस किचन में ही इतना काम हो जाता है ना सुरेश का टिफिन रखो और फिर मतलब पूरा ही काम रहता है मॉर्निंग में ना तो बस अभी थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ वो ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं और मैं सोचूँ कि थोड़ा सा काम भी करा जाए आज आ, तो अभी ये जो तोरण वगैरह हैं सब सूख गए हैं तो इनको मैं लगाऊंगी थोड़ा बहुत अथर्व की हेल्प से ऑब्वियसली क्योंकि वही है जो थोड़ा बहुत स्टूल वगैरह मैं पकड़ लेगा ऊपर चढ़ूंगी अगर मैं तो और आ, कल अथर्व के स्कूल में पूरा ट्रेडिशनल वेयर भी है डे है और थोड़ा सा उनको स्वीट्स भी ले जानी है और फ्लावर पेटल्स भी ले जानी है रंगोली के तो काफ़ी कुछ उनको कल कैरी करना है स्कूल में तो देखती हूँ मैं घर में ही अगर कोई स्वीट मैं बना पाई अदरवाइज सुरेश तो शाम को ऑफिस से आते हुए कुछ ना कुछ स्वीट तो लेते हुए आएंगे क्योंकि उनको वैसे भी मेरे पर भरोसा नहीं है <laughs> कि मैं प्रॉपर बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी और वैसे भी ना टाइम का भी इशू रहता है कि या टाइम मिले या नहीं मिले ना इस टाइप से तो थोड़ा बहुत तो परचेज करके ले ही आएंगे तो बस देखते हैं फिर चलिए फिर आज का दिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुझे लगा कि मैं रसगुल्ले ही बना लेती हूँ वैसे मैंने पहले भी एक दो बार बनाए हुए हैं और इस बार मैं थोड़ा सा ड्राई बनाने की सोच रही थी तो मैंने रात को ही ना ये जो पनीर का जो मिक्सर है मैंने रात को, को ही बना के रख दिया था और सुबह मैंने इसको हथेली से अच्छे से मैंने मैश किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रसगुल्ले का इसको बहुत ही अच्छे से आपको मसलना है अपनी हाथ की हथेली से जिससे कि ना ये पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाए जितना अच्छे से ये इकट्ठा होगा ना उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे तो अथर्व का क्योंकि आ, मतलब नेक्स्ट डे अथर्व का आ, वो था स्वीट डे था दिवाली स्वीट्स उसको ले जानी थी तो मुझे लगा चलो मैं घर पे ही आ, बना लेती हूँ और यही मैं उसको दे दूँगी ड्राई रसगुल्ला बनाकर सो so, uh, ये मैंने uh, बनाया और इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया uh, कॉर्नफ्लोर तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसकी जगह मैदा भी ऐड कर सकते हो कई लोग कुछ ऐड नहीं भी करते बट ये फ़ायदा होता है इसे ऐड करने के बाद कि जो आपके रसगुल्ले हैं ना वो टूटे कि नहीं कई बार हम कितनी भी परफेक्शन के साथ रसगुल्ले बनाते हैं बट जब हम उसे चाशनी में डिप करते हैं ना तो वो टूट जाते हैं तो बेटर यही रहता है कि आप ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें जिससे कि आपकी जो मेहनत है ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो तो इसको आपको अच्छे से इकट्ठा करना है जब तक कि जो ये सारा जो है पनीर का मिक्सचर है ये पूरे अच्छे से इकट्ठा ना हो जाए और जिस प्लेट में आप वो कर रहे हैं वो प्लेट पूरी क्लीन ना हो जाए तो अब आप इसकी बॉल्स बनाएं इसमें जो क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए बॉल्स में तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे ही बना रही थी रसगुल्ले और मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया था और डिवाइड करने के बाद मैंने हाफ में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा वो जो चमचम टाइप की बनती है ना वो मेरा बनाने का मन था तो इसलिए मैंने इसमें रेड फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया था और दो अलग अलग शेप के मैंने इसमें बनाए थे के बाद हम लोगों ने किया लंच क्योंकि लंच टाइम हो गया था तो मुझे लगा चलो पहले खाना ही खा लेते हैं उसके बाद मैं रसगुल्ले का काम करूंगी तो आज मैंने सिर्फ दाल और राइस बनाए थे और अर्थ आज भी मेरे साथ ही खा खा रहा रहा था क्योंकि वो आजकल अलग से बिल्कुल भी नहीं खा रहा है उसको भूख तो अलग से होती ही नहीं है और बस लंच करने के बाद मैंने बनाई चाशनी तो चाशनी में यहाँ पर मैंने ना कोई ढंग से मेजरमेंट वैसे नहीं किया था बट दो कप चीनी में मैंने पांच कप वाटर डाला था तो ये मेरा कुछ मतलब मेजरमेंट था थोड़ा ऊपर नीचे ही हो गया होगा और बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही यहाँ पर आपको रसगुल्ले डालने हैं यही ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जो ये जो ये उबल रहा है ना पानी ये बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए अदरवाइज क्या होता है ना कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो प्रॉपर तरीके से फूलेंगे नहीं यहां पर आपको एक एक करके और बहुत ही संभल कर ये रसगुल्ले इसमें डालने हैं और उसके बाद आपको इसको बिल्कुल बंद कर देना है इसके ढक्कन को और कम से कम आपको हाई फ्लेम में ये फाइव टू सेवन मिनट्स तक पकाने हैं और उसके बाद आप खोल के इनको चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो ये आपको ये झाग दिख रहा है ना ये बिल्कुल ऐसे ही बने रहना चाहिए मतलब फ्लेम आपकी बिल्कुल हाई में ही आपको कम से कम दस मिनट तक पकाना है उसके बाद आप फ्लेम को आप लो कर सकते हैं और फिर लो फ्लेम में आपको लो से मीडियम फ्लेम में भी अगेन आपको इसे टेन मिनट्स तक पकाना होगा तो इतना टाइम लग जाता है बट क्योंकि मुझे ड्राई रसगुल्ले बनाने थे तो मैंने कुछ और टाइम के लिए इसमें रखा था जिससे कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए अदरवाइज इतने में ही ये पक जाते हैं नेक्स्ट लीवर हमने किया कुछ डीआईवाई तो ये काम हम थोड़ा बहुत पहले भी कर चुके थे मैं और अथर्व और क्योंकि आज अथर्व की स्केट्स क्लास नहीं थी और वो कुछ और मतलब वो नैप का भी लेने का उसका मूड नहीं था तो हमने कहा चलो हम यही काम को ही कंटिन्यू कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने थोड़ा से कटआउट्स लिए थे यूट्यूब से देख ही एक वीडियो से हम लोग ये बना रहे थे शुभ लाभ हम बना रहे थे हमारे मेन डोर के लिए तो यहाँ पर मैं चने की दाल यूज कर रही हूँ और थोड़े से हमने राइस यूज करे थे कुछ कलर्स हमने यूज करे थे और यही सब भी हम करते हैं यार बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए मैं ये सब कर रही थी क्योंकि ना अथर्व भी आजकल स्कूल में काफी कुछ सीख रहा है यही सब चीजें तो उसको काफी इंटरेस्ट भी आता है कि हाँ मैं भी करूंगा कलर्स करूंगा मैं ये करूंगा वो करूंगा तो हम लोग ये कर रहे थे और इस टाइम पर हमने अर्थ को थोड़ी देर बालकनी में खड़ा कर दिया था जिससे कि ना वो अंदर वो नहीं आ पाता क्योंकि विंडो थोड़ी सी हमारी ऊंची है ना तो वो खुद से वो अंदर बाहर नहीं कर पाता तो हमने उसको बाहर खड़ा कर दिया था वरना तो ये काम हो ही नहीं पाता जब वो उठा होता है क्योंकि वो करने ही नहीं देता है। इतना बैठने ही देता है कलर वाल कुछ हम लोग करे तो उस टाइम पर वो बाहर था तो हम लोगों ने इजली ये कर लिया और सही में काफी अच्छा भी लग रहा था इवनिंग में मैंने अपने जो रसगुल्ले देखे तो ये काफ़ी हद तक सेट हो गए थे इनको सेट होने के लिए ना फाइव टू सिक्स आवर्स लगते ही हैं तो अभी पांच बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी और साथ में मैं खा रही हूँ ये चकली जो हमारे नेबर्स ने हमको दी है ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है घर पर ही बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो रही है इनफैक्ट अथहर ने तो पूरी प्लेट ही मतलब तो प्लेट में काफ़ी थी उसने काफ़ी सारी खा ली इस वजह से मैंने सुरेश के ग्रवि थोड़ी रखी है वरना वो बचाएगा गया उसको इतनी अच्छी लगी ना ये सही में और आज ना पूरा दिन अर्थ काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी रहा उसको ना कोल्ड हो रहा है और नाक बार बार बंद हो जाती है ना बच्चों की स्टफ सी हो जाती है तो थोड़ा थो 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 सा बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं तो बार बार उसकी नींद खुल रही है ना तो उसके साथ ही मुझे बैठना मतलब साथ में ही मैं लेटी रही नींद तो मुझे जनरली आती नहीं है दिन में बट उसके साथ ही मैं लेटी रही तो बस फिर अभी देखते हैं यार अभी रात को अभी तो डिनर की मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है आज को सोचा भी नहीं है मैंने कि मैं क्या बनाऊंगी अभी मैं बस ये सोचूंगी अर्थ की तबीयत थोड़ा सा ठीक रहे वो जब उठा रहता है तब तो वो बिल्कुल ठीक रहता है बट जब वो सोता है ना नैप के टाइम पे मतलब उस टाइम पर उसका जो होता है ना बा अगर उसकी नींद जैसे बीच में खुल जाती है तो उसके जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी ना तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो नोज़ ड्रॉप वगैरह तो मैंने डाली है देखते हो अगर आज ठीक नहीं लगा तो मुझे कल तो उसको डॉक्टर पर लेके जाना पड़ेगा वैसे मेडिसिन तो ज़्यादातर हमारे घर पर रहती हैं कोल्ड वगैरह की तो वो सब हैं ही तो मैंने आज आज ही उसको दिए है हालाँकि उसको ना दो तीन दिन से हो रहा था पर मैं वही होम रेमेडी हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ हनी दे दिया हनी का जिंजर दे दिया या हल्दी दूध दे दिया वही सब मैं दे रही थी मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगा बट थोड़ा सा नहीं हुआ उसको आज थोड़ा सा वो हो रहा है दिल में क्रैंकी आ रहा काफ़ी लेट्स सी कल तक उसका कैसा रहता है चलो मैं अभी ग्रीन टी पीती हूँ उसके बाद बच्चे उठ जाएंगे और उसके बाद फिर देखती हूँ कैसा मूड रहता है दोनों बच्चों का ah. 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 <laughs> yeah. ah. Ah. मैं बस अभी अर्थों के लिए ले, दूध लेकर आई हूँ वो भी हल्दी वाला और उसमें थोड़ा सा हनी डालकर है ना द रसगुल्लाज आर सो सो गुड एंड यमी सो डेफिनेटली आप ट्राई करें इनफैक्ट मुझे ना ये ड्राई बनाने हैं अगर ड्राई नहीं बनाने होते ना तो भी ये बहुत ही यमी हो रहे आई लै टू शो यू सी कितने ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं ये और उतने ही ज्यादा ये सॉफ्ट भी हो रहे हैं तो अभी ना मैंने एक ट्राई किया था सो सही में बहुत अच्छा और जैसे जनरली क्या होता है ना स्पॉन्जी हो जाते हैं रसगुल्ले तो स्पॉन्जी भी नहीं हो रहा है बहुत ईजिली कट हो रहा है स्पून से भी ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैंने ना सुरेश से अभी मैं कोकोनट पाउडर मंगाऊंगी और इसमें से थोड़ा सा इसको मतलब स्क्वीज करके ना फिर कोकोनट वाटर में कोकोनट जो पाउडर है उसमें मैं कोट कर दूंगी और ड्राई जब ये हो जाएगा ना तो तब मैं कल अथर को ये स्कूल के लिए दूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहा है उसको बहुत ही पसंद आएगा ये इवनिंग में मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाउमिन क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और अथर्व भी बोल रहा था मम्मी कुछ बनाते हैं तो फिर उसके बाद हमने चौमिन बनाई थोड़ी सी हमने वो खाई तो फ्रेंड्स मैं ना ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि सुरेश अभी तक तो ऑफिस से नहीं आया है इनफैक्ट अभी दस बजने वाले हैं और वो जस्ट अभी निकले हैं बस ऑफिस से तो काफ़ी लेट हो गया आज उनको तो इस वजह से अभी और कुछ काम तो हो नहीं पाएगा तो बस मैं अब अर्थ को ना सुलाने ले जा रही हूँ थोड़ा बहुत उसको उसके लिए मैंने आज उपमा ही बनाया था रात को और अच्छा हमने तो चाउमीन खाई हुई है तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि अब डिनर में कुछ और खाएगा वैसे मैंने ना आज कुछ स्पेसिफिक कुछ डिनर में बनाया भी नहीं है मैंने बस पनाठे ही बना रखे हैं तो बस वही हम लोग वही खाएंगे और थोड़ा बहुत चाउमीन में हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज बहुत कुछ काम हो भी गया और कुछ काम नहीं भी हुआ तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको मिलूंगी और थोड़ा सा जो और प्रिपरेशन है दिवाली की वो सब मैं करूंगी तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर बाय